ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिलशाद भाई एहसान भाई भारत बाहरी जाने वाले हैं। वहाँ की मंदिर की खूबसूरती और तालाब का नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बेमा के रास्ते होते हुए भारत बाहरी को चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबसे कहा था कि हम लोग भारत बाहरी जाने वाले हैं। दोस्तों, आप ये जो सागर देख रहे हैं, एक्चुअली में ये इस सागर का निर्माण कैसे हुआ मैं आपको बता दूं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर के, जो पर्वत लेकर के, वो भारत बाहरी से होकर जा रहे थे। जब भरत जी ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि कोई शत्रु हो और शत्रु समझकर उन्होंने उनको एक तीर मार दिया और हनुमान जी यहीं पर गिर गए और इस तालाब का निर्माण हो गया। दोस्तों, ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग 16 बीघे क्षेत्रफल में फैला हुआ है और हाई कोर्ट के द्वारा इसका नाम जो है शिव घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर हर साल एक मेला लगता है। अब इसके बारे में और थोड़ा हम लोग जानने के लिए यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों, जैसा कि अभी वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम लोग बाबा जी से कुछ बातें करने वाले हैं, तो सबसे पहले बाबा जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। महंत कृष्ण दास। आप यहाँ पे कितने सालों से? अरे करीब हो गया 32-33 साल हो गया। दोस्तों, बाबा जी यहाँ पर पिछले 32-33 सालों से रह रहे हैं। बाबा जी, यहाँ पे जो मेला लगता है वो किस उपलक्ष्य में लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लगता है। दोस्तों, यहाँ जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लगता है और काफ़ी बड़ा मेला लगता है। अगर आप लोग यहाँ के आसपास रहने वाले होंगे तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। और जो मेला लगता है वो हर साल एक ही दिन में लगता है कि अलग अलग दिनों में लगता है? नहीं नहीं, वो उसकी तिथि एक ही, उसी तिथि के पर हर साल होता है, पूर्णिमा के होता है। तो दोस्तों, वो जो मेला लगता है हर साल सेम डेट में लगता है। बाबा जी हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जो है हमने बाबा जी से बात की और यहाँ के बारे में आप लोगों को बताया। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं तो यहाँ पे आके जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर मेला देखने आ सकते हैं।